नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो YouTube पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिजल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नरेज ओरिजिनल। जो हमारा चैनल अब फर्स्ट टाइम आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट चाहिए हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे सब्सक्राइब हमको बढ़ाना है तो आपके सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। पर एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जाते जाते, ठीक है। चलो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सर्किट थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के नोडल एनालिसिस मेथड और नोड एनालिसिस मेथड को, ठीक है। तो अब नोड एनालिसिस, नोड एनालिसिस बेसिक मेथड, ये किस पे डिपेंड होता है? केसीएल पे डिपेंड होता है, ये याद रखिए। ज़्यादा दिमाग में नहीं, जो मैं टेक्निक और ट्रिक बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखिए, या इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, मैं बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आता हूँ और आपको समझ में आ जाए और आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट चीज आप देखेंगे हमेशा नोड एनालिसिस, नोड एनालिसिस ऑलवेज बेस्ड ऑन द केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वी ए एंड वी बी, क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वी ए एंड वी बी। तो वी ए एंड वी बी गिवन है, ये पूरा हमारा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वी ए निकालना और वी बी निकालना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यूजिंग द हमको नोड एनालिसिस निकालना, यहाँ पे लिखा नहीं लिखा हमको ये समझ जाना, क्योंकि हम नोड एनालिसिस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये नोड एनालिसिस का हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये अगर हमारा वी ए है तो हमारा नोड यही होगा, इसको हम नोड ए दे देते हैं, और ये बी है तो ये हमारा नोड बी हो गया, ठीक है। अगर ये वी ए और वी बी है तो अब हमारा दूसरा नोड क्या होगा, जहां पे मैक्सिमम ब्रांच मिल रही है वो हमारा क्या होगा, रेफरेंस नोड होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसको रेफरेंस नोड, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस नोड हो जाएगा। अब क्या करता हूँ कि मेरे को सर्किट में आपको ध्यान से देखना है, आपको ये लगता होगा ये भी नोड है लेकिन यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये नोड और ये नोड कंबाइन हो सकते हैं, मैंने इसको क्या यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने डायग्राम पहले बना के रखा है, टाइम वेस्ट नहीं हो, क्लियर। तो अभी ये पॉइंट सीधा यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये पूरा नोड आपको एक हो गया, देखिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वी ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया, वी बी हो गया, ठीक है। ये नोड बी और ये नोड ए, ठीक है, क्लियर। अब इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, स्ट्रक्चर को आपको क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, मैंने आपको एक बताया जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांच मिल रही है, ठीक है, मैक्सिमम ब्रांच आर मीटिंग एट एनी पॉइंट, दैट पॉइंट इज वी हैव टू कंसिडर एज अ रेफरेंस नोड। व्हेन मैक्सिमम ब्रांच आर मीटिंग एट पॉइंट, दैट पॉइंट कुड बी कंसिडर एज अ रेफरेंस नोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस पॉइंट को हम क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस नोड, क्लियर, ये मेरा रेफरेंस नोड हो गया, आया समझ में। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, रेफरेंस नोड है तो रेफरेंस नोड का हमेशा कि आपको ध्यान रखना है जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, ठीक है। ये रेफरेंस नोड का फिक्स है 0 वोल्ट उसका पोटेंशियल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद एक चीज और बता देता हूँ कंसेप्ट, ठीक है। पोटेंशियल अवे फ्रॉम द, एक चीज में लाइन लिख देता हूँ, पोटेंशियल अवे फ्रॉम द हायर करंट इज, पोटेंशियल इज ऑलवेज हायर वेयर करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम दैट नोड, ठीक है। किसी नोड से अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी नोड से करंट जा रहा है, तो उस नोड का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, हायर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट, यहाँ पे ये हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नोड्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो करंट एज्यूम करूंगा, एज्यूम करंट्स अवे फ्रॉम नोड, ठीक है। ये मेरा फिक्स रहेगा, ये जो सर्किट सोल्व कर रहा हूँ उसे मेरा कंडीशंस क्या है, एट आइडेंटिफाई नोड, नोड आइडेंटिफाई किया ए और बी,
ठीक है, और ये रेफरेंस नोड उन्होंने आइडेंटिफाई के लिए हमने एज्यूम किया कि करंट अवे फ्रॉम द नोड। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हम करंट कंसिडर कर रहे हैं वो दैट इज द अवे फ्रॉम द नोड, मतलब मेरे यहाँ पे नोड है और इसमें जो करंट जा रहा है मैं यहाँ पे करंट का कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कोई लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया अवे फ्रॉम द नोड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई वन, अगर आप समझना है तो ये आई टू और ये मेरा आई थ्री, ठीक है। नेक्स्ट करंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई एक्स, आई वाई और ये मेरा आई जेड और ये, ठीक है, ये आई डब्ल्यू, क्लियर, ये मेरे करंट्स हो गए, ठीक है, जो अवे फ्रॉम द नोड मैंने कंसिडर किए हैं, ठीक है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड वैलिड है और फटाफट होगा, ठीक है। अब एक चीज आपको मैंने यहाँ पे बोला था याद रखना है, वो है हमेशा सर्किट में सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना कि एक चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आइडेंटिफाई बाद में करना, पोटेंशियल ऑफ एनी नोड इज हायर वेयर करंट इज लीविंग दैट नोड, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, ये कंडीशन आपको याद रखना, जहां पे जरूरत पड़ी मैं बताऊंगा। सेकंड चीज, ये सब फॉर्मू ये कंसेप्ट है जो आपको हमेशा मतलब ऐसा दिखाएंगे कि हाँ ये हमारे को जरूरत है, ठीक है ना। सेकंड चीज, एनी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट इन द आउटसाइड ब्रांच कैन बी कैलकुलेट डायरेक्टली, ओके, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये भी पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, एनी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट इन आउटसाइड ब्रांच that can be obtained directly, ठीक है। ये फंडा आप याद रखिए, बहुत काम आएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट क्या है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे नोड वन पे, ठीक है, ए पे, ठीक है, हमारा नोड ए है, यहाँ पर हम KCL अप्लाई करूंगा, फिर बाद हम KCL अप्लाई करेंगे नोड टू पे, बी पे, ठीक है। तो मैंने इसको पहले एक सोल्व कर रखा, उसको डायग्राम लेता हूँ, इसको मैं पीछे यहाँ पे सोल्व करूंगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है और सेम चीज, क्लियर। अब मेरा नोड ये ए है, तो फर्स्ट पहले आपको क्या लिखना है, स्टेप नंबर वन, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, कुछ सर्किट डायग्राम से अगर आपको कुछ मिल जाता है तो पहले आपको वो लिखना है, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, ठीक है, कोई चीज आपको डायरेक्ट मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है कि उसमें हम कुछ डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पहले लिख देना है। सो यहाँ पे आपको देख लेना डायग्राम में कुछ डायरेक्ट मिल रहा है, कुछ ऐसा गुंजाइश है, तो फर्स्ट मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा मुझे डायरेक्ट क्या मिल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे आई वन जो है उसको मुझे डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आई वन किस पे, ये जो करंट सोर्स है, ठीक है, ये वाला, ये करंट सोर्स इस पे डिपेंडेंट है आई वन पे, ये वाला आई वन पे, ठीक है, ये करंट सोर्स, ठीक है, ये वाला करंट, ये डिपेंडेंट सोर्स है, किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। तो यहाँ पे आई वन की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल इज ऑलवेज हायर वेयर करंट इज गोइंग और लिविंग दैट नोड, तो ये देखो अब ये आपका क्या है, वोल्टेज है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, हायर हो गया, अब ये पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, लोअर हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आई वन इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल क्या होगा 10 वोल्ट एंड लोअर पोटेंशियल क्या होगा वी ए, ठीक है, ये मेरा ये हो गया, और अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारा आ गया 2, ठीक है। तो इसको मैं नंबर दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी आप नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट स्टेप नंबर 2, अप्लाई KCL 8 नोड 1 एंड वी गेट, ठीक है, नोड 1 KCL अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं तो सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सीखना कैसे सॉल्व करना है, जितने नोड है उतने नोड के हमको यहाँ पे लिख देना है, कितना नोड है, नोड 1 एंड 2 है, मतलब ए और बी है नोड, तो दो ए बी नोड है, तो इसका पोटेंशियल क्या, वी ए एंड वी बी है, तो मैं वी ए एंड वी बी डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
इस साइड मेरा क्या होगा, हमेशा वोल्टेज वाला वैल्यू आएगा, और इस साइड मेरा क्या आएगा, हमेशा करंट वाली वैल्यू आएगी। याद रखिए मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड में, क्लियर। उसके बाद अब मेरा क्या है कि मैं किसको केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ, नोड वन को। जिसको केसीएल में अप्लाई कर रहा हूँ उस नोड की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड आएगा और इसकी वैल्यू में क्या रहेगी, माइनस रहेगी। और बाकी सब जितने भी नोड रहेंगे बाकी सब क्या कहलाए, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। जिसको केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ उसको नेगेटिव, बाकी सभी को पॉजिटिव, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि वी वन, ये ठीक है, ये अब मेरा नोड ए है, और इसके साथ ये नोड के साथ कौन कौन से रजिस्टर कनेक्टेड है। एक 2 ओम कनेक्टेड है, एक 10 ओम कनेक्टेड और एक 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1/2 + 1/5, ये 1/5 और ये 1/10 प्लस 1/10। अब मुझे चेक करना कि इस ए नोड के साथ, ठीक है, ये जो ए नोड है इसका कनेक्शन वीबी के साथ हो रहा है, लेकिन कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, 5 ओम के थ्रू। तो वीबी का कनेक्शन ए नोड ए के साथ हो रहा है 5 ओम के थ्रू, तो ये हो गया 1/5, क्लियर। अब यहाँ पे इस साइड मेरा कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या प्रेजेंट है, ये वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, ठीक, इस ब्रांच के अंदर। अब इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या बताया, इधर करंट आना चाहिए। तो करंट इस ब्रांच का करंट क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी पोना, तो वी क्या होगा 10 वोल्ट, करंट क्या हो गया 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, अब डायरेक्शन क्या रहेगा मेरा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ, 10/2 डायरेक्शन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मैंने अवे फ्रॉम द नोड एज्यूम किया है सब में करंट, ठीक है, और ये करंट क्या ऊपर जा रहा है, तो इसका पोलैरिटी क्या हो गया मेरे से अपोजिट हो गया इस करंट का, क्योंकि ये करंट ही हो गया ना 10/2, क्या हो गया करंट हो गया, ये करंट हो गया ना, ये वी 10 हो गया, ये R/Q हो गया, ये माइनस रहेगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी अपोजिट आ गई मैंने जो एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मेरा रीजन है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप कैल्सियम में सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, -0.8 VA प्लस 0.2 VB -5, ठीक है, और ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, 2। ये कैल्सियम इजी है, आप कैल्सियम कर सकते हो, 1.2 + 1.5 + 1.5 तीनों को ऐड कर लो, फटाफट हो जाए क्योंकि मैं वीडियो लेंदी हो जाता है बहुत सारा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, जो हमारा 3 रहेगा, अप्लाई केसीएल 8 नोड 3, ठीक है, नोड ए है, ओके, लिखने में ये, और ये नोड बी 1 1 वो प्रैक्टिस 1 में है, इसके लिए यहाँ पे वी ए और वी बी दिया, इसके लिए मुझे ए और बी लेना पड़ रहा है, जैसा एग्जाम में आपको दिया गया, अगर वी ए वी बी दिया तो आपको 1 और 2 या तो 1 और 2 लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करना ही देना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, फर्स्ट डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, ये मेरा इस साइड वी ए और इस साइड ये मेरा वी बी इक्वल्स टू। अब मैं नोड किसको कैसे अप्लाई करूं, नोड बी को, तो नोड बी वाला क्या होगा, नेगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव, क्लियर, सिंपल लॉजिक। अब मुझे चेक करना है कि अब मेरा यहाँ पे नोड बी मेरा इंपॉर्टेंट है, ये नोड बी है, अब नोड बी का कनेक्शन वी के साथ हो रहा है, लेकिन किस रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, 5 ओम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/5, बाकी कोई रेजिस्टेंस नहीं, देखो एक ही रेजिस्टेंस के साथ नोड बी कनेक्ट हो रहा है वी के साथ, तो 1/V और उसका पोटेंशियल क्या वी है, ये वी है देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीबी के साथ कौन कौन से रजिस्टर कनेक्टेड है, 5, 15 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, 1/15 और 1/3, क्लियर, ये आ गया हमारा वो कर इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस नोड से करंट कौन सा जा रहा है, आउटसाइड, ये जा रहा है 1I, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1I1। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आउटगोइंग करंट है, तो हमेशा आउटगोइंग करंट को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, और इनकमिंग करंट को मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आउटगोइंग मेरा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इनकमिंग हमेशा क्या लूंगा मैं, नेगेटिव, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है, बाकी बुक्स में कहीं पे भी कुछ भी दिया हो सकता है, कोई अपनी ओर से अलग एज्यूम भी कर सकता है, बट मेरा कंसेप्ट, अगर आप क्वेश्चन मेरे टेक्निक से सोल्व करो तो उसके सभी क्वेश्चन आप उसी टेक्निक से सोल्व करो, आपके आंसर पक्के आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा यहाँ पे मेरा जो जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे ये ब्रांच है और इसमें आईजी करंट है, लेकिन इसमें वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, तो अब इन वोल्टेज सोर्स के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई क्या होगा, V/R, तो यहाँ पे I इक्वल्स टू V/R, तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 18, तो 18 एंड R की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इसकी पॉलिटी देखिए पॉजिटिव है, तो ये करंट क्या अपवर्ड आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने जो एज्यूम किया अवे फ्रॉम द, तो दोनों की पॉलिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस
18 बाय 3, ठीक है, माइनस 18 बाय 3, क्लियर। तो अभी ये हो जाएगा हमारा 18 बाय 3। नेक्स्ट अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2 वी ए, क्लियर। माइनस इसको हम पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपको आंसर आएगा 0.6 वी बी एंड आई वन। अब आई वन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आई वन हमारे इक्वेशन वन में है, तो वन आई वन की वैल्यू 10 माइनस वी ए अपॉन 2 और माइनस 6, ये 18 माइनस किया जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ आई वन फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, कहाँ से मैंने आई वन लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए 0.2 वी ए माइनस 0.6 वी बी, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या जाएगा 10 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 वी ए माइनस 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी ए वाला क्या हो जाएगा, इस साइड ले लेंगे तो ये वी ए 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 क्या हो जाता है 1/5, ठीक है ना, 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1/5, तो 1/5 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। सो 0.2 वी ए ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/5 वी ए माइनस 0.6 वी बी, और ये मेरा 5 माइनस 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 वी ए प्लस 0.2 वी ए एंड 0.5 ये क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है, 0.7 वी ए, और ये हो जाएगा माइनस, एक सेकंड में इसको दोबारा, 0.7 वी ए माइनस 0.6 वी बी, और ये हो गया माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3, क्लियर, इक्वेशन 3 हो गई। अब हमको क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो सॉल्विंग स्टेप नंबर 4, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सो वी गेट, अभी आपको कैल्सियम में सोल्व करना है इसको, आपको कोई दूसरे, ठीक है, तो इसके बाद वाला पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड, ठीक है, ये जगह बची है तो इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि आंसर ही लिखने हमको, क्वेश्चन बाकी कंप्लीट हो गया है। तो कैल्सियम में जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, मैं करेक्ट करके बता देता हूँ, मोड में जाने का 5 और, ठीक है, 1 वाला ले चूज करेंगे क्योंकि दो ही अननोन है हमारे पास। सो फर्स्ट इक्वेशन 2, सो माइनस 0.8 देन 0.2 देन माइनस 5, नेक्स्ट 0.7 0.6 और माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 4.51, ठीक है। तो ये हमारा वी आया और दूसरा -6.93, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ, मुझे डाउट लग रहा है, जस्ट अ मिनट, वापस 5 1, माइनस 0.,, सॉरी माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे देखो -0.8, यहाँ पे -0.8, उसके बाद 0.2 0.2, उसके बाद -5 -5, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है 0.7 0.7, उसके बाद -0.6 -0.6 -1 -1, और ये 9. देखो काइंड माइनस प्लस का रह गया था, इसके लिए मैं आपको बोला कुछ मुझे डाउट लग रहा है। तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू जो आई है, वी ए इक्वल्स टू आया 9.4112 वोल्ट, एंड वी ए बी, वी की वैल्यू, सॉरी, ये वी बी की वैल्यू, वी बी की वैल्यू हो गई 12.647 वोल्ट, ठीक है। तो ये दो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गए, क्लियर, ये दोनों आंसर आ गए और वही हमको पूछा था वी एंड वी बी, तो ये आंसर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये सब्जेक्ट हमारा अच्छा लगता है और किसी स्टूडेंट को अगर ट्यूशन और ऑनलाइन ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है
हम लोग होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट के, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे ट्यूशन्स के लिए, आपको बता देता हूँ, BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड सिस्टम सेकेंड ईयर में, फिर बाद में आपका सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क एनालिसिस जो आपका रहता है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, एंड DTSP डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और फिर हमारा जो रहेगा RF डिज़ाइन, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा। और किसी को इसका ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 8806121141, क्लियर, ये नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, फीस चार्जेस सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और जिनको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही यूनिक कंटेंट मिलेगा और विद कंसेप्ट के साथ, ठीक है, जो आपको कॉलेज में अच्छे से टीचर आपको सिखाते होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपके टीचर कैसे सिखा रहे, क्या सबका मेथड अपना अपना हो सकता है, वो भी अच्छा ही सिखा रहे होंगे नॉट आउट, ठीक है, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि हम सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और ठीक है, अगर आप हमारे साथ ट्यूशन नहीं लगवाए तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, और एक रिक्वेस्ट है इसी वीडियो को 5 स्टूडेंट के साथ सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। तो ये हर स्टूडेंट एक दूसरे को फॉलो करते जाइए और ऐसा करते जाइए, ठीक है, और आपका जो सहयोग मिलेगा हम उसके लिए बहुत आभारी रहेंगे, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र जोशी।